हम आज बात करेंगे स्प्लाइस डोर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, कई तरह का डिज़ाइनर डोर यहाँ डिस्प्ले है, और ये ज़्यादातर जो डोर बनते हैं लैमिनेटेड मेम्ब्रेन और विनियर डोर, वो पहले फ्लश डोर बनता है। तो हम पहले देखेंगे फ्लश डोर में कितने वैरायटी होते हैं। तो सबसे प्रीमियम क्वालिटी मेरा हो गया ये 7 स्टार। 7 स्टार में डबल कोर होता है हार्डवुड यूकलिप्टस का, और कैलिब्रेटेड फिनिश होता है। फ्रेम इसमें टी कूट का फ्रेम होता है। टी कूट फ्रेम से नेल ग्रिप बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी लकड़ी होती है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, पानी से भी नहीं ख़राब होता है, और कैलिब्रेशन से इसके अंदर फिनिश और परफेक्ट थिकनेस हो जाता है। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। कैलिब्रेशन आप जानते ही हैं, इसको हम लोग पहले अगर 32 mm बनाना है तो इसको 34 बनाते हैं और 1 mm दोनों तरफ से कैलिब्रेट करते हैं। तो ये कैलिब्रेटेड टी कूट फ्रेम हार्डवुड फिलर पूरा है। दूसरा क्वालिटी हो गया 5 स्टार। ये भी कैलिब्रेटेड है, हार्डवुड फिलर है, ओकुमे फेस है, पीएफ रेजिन है, और इसके अंदर फ्रेम पाइन का होता है। बाकी ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। इसके बाद एक और क्वालिटी है, थर्ड क्वालिटी, ये है 4 स्टार। 4 स्टार में हार्डवुड फिलर होता है, हार्डवुड का फ्रेम होता है, इसके अंदर ट्रिपल कोर होता है, और ये नॉन कैलिब्रेटेड होता है। ये भी वाटरप्रूफ होता है बट कैलिब्रेटेड नहीं होता है। ये फ्लश डोर हो गए। अब फ्लश डोर के बाद हम लोग इसमें फ्लश डोर एक लेते हैं, कोई भी क्वालिटी का फ्लश डोर हो सकता है आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर उसके ऊपर हम लैमिनेट लगा देते हैं। लैमिनेट का हो गया ये माइका, इसके ऊपर लगा दिया जाता है, आपको ये लैमिनेटेड डोर हो जाता है। इसमें कट पेस्ट करके कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, प्लेन लैमिनेट भी लगा सकते हैं। लैमिनेटेड डोर के बाद एक हो गया ये वही सेम फ्लश डोर को हम इसके ऊपर विनियर लगा देते हैं। आप इधर आ जाइए, ये विनियर है, कैलिब्रेट करके विनियर लगा हुआ है, इसके ऊपर पॉलिश किया जाता है, और बहुत तरह तरह का इसमें कट पेस्ट करके डिज़ाइन भी बनते हैं। ये है, और विनियर में नेचुरल विनियर बहुत तरह के आते हैं, जो आप चाहें उस तरह का विनियर इसमें लगा सकते हैं। विनियर डोर के बाद आप ये देखिए एक इंजीनियर डोर पहले देख लेते हैं। ये इंजीनियर डोर है। इंजीनियर डोर क्या होता है कि हम लोग सॉलिड फ्रेम रहता है इसमें मोस्टली, और इसके अंदर जो प्लाई है उस पर सेम स्पीसीज का स्लाइस करके इसके ऊपर लगा दिया जाता है। अंदर ये मेरिन ग्रेड की प्लाई है, और ये पूरा आप जैसा देख सकते हैं, थोड़ा इधर से दिखा दीजिए, ये पूरा व्यू आता है इसमें, सॉलिड डोर का व्यू आता है, बट ये अंदर जो प्लाई है इसकी वजह से ये हल्का हो जाता है और ड्यूरेबल भी हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्राइस थोड़ा सॉलिड से ये इकोनॉमिकल होता है, बट लुक में कोई कमी नहीं होता है ये। इसके बाद आप सॉलिड डोर देख ले, सॉलिड डोर है, बहुत तरह के डोर हैं। इंजीनियर डोर में बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। सॉलिड डोर में आ जाइए, इधर से आ जाइए। ये सॉलिड डोर होते हैं। सॉलिड डोर में आप जैसा देख रहे हैं, ये फिंगर ज्वाइंट्स हैं बहुत सारे। फिंगर ज्वाइंट क्यों करना पड़ता है? फिर पैनल करके इसमें CNC कटिंग करके सिम, बहुत सारे डिज़ाइंस इसमें रहते हैं, जैसा आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये डिज़ाइन। तो ये सब फिंगर ज्वाइंट क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन रहता है अक्सर कि भाई आप सॉलिड क्यों नहीं देते हैं। फिंगर ज्वाइंट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लकड़ी के अंदर मॉइस्चर होता है, और वो मॉइस्चर अगर लकड़ी में रहेगा तो बाद में वो लकड़ी क्रैक होगी और उसमें बैंड होने की शिकायत आएगा, कीड़े भी लग सकते हैं, सारी प्रॉब्लम हो सकती है जो भी लकड़ी में आता है अगर उसके अंदर मॉइस्चर है तो, विदाउट सीजनिंग। जब हम लोग उसको सीजनिंग करते हैं तो वो लकड़ी बैंड हो जाती है, और बैंड हो जाने की वजह से फिर उसको हम लोग कटिंग करते हैं, फिर फिंगर ज्वाइंट करके फिर बनाते हैं। उसके बाद उसमें कोई फिर दिक्कत आता नहीं है, फिंगर दिखता है, वो पार्ट ऑफ डिज़ाइन रहता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। इसके अलावा आप आ जाइए इधर, कुछ हमारे ये HDF डोर्स हैं, HDF स्किन डोर्स, ये आप देखिए। HDF मतलब एक वही सेम फ्लश डोर है, उसी फ्लश डोर के ऊपर हम लोग HDF स्किन लगा करके CNC से डिज़ाइन काट देते हैं, और ये पिगमेंटेड कलर है, और ये है नेचुरल ट्रांसपेरेंट कलर, इसमें मारते हैं मतलब ये क्लियर मारते हैं, तो ये ऐसा आ जाता है। क्लियर का मतलब है इसमें स्टेन करके क्लियर पॉलिश कर दिया जाता है, जैसा स्टेन करेंगे तो जैसा चॉइस के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिज़ाइंस इसमें ऑप्शन होते हैं। वही सेम फ्लश डोर, जो भी क्वालिटी का फ्लश डोर चाहिए वो लीजिए, उसके ऊपर स्किन लगाया और डिज़ाइन काट दिए। मेम्ब्रेन डोर है ये, के बाद आ जाइए। ये मेम्ब्रेन डोर्स हैं। मेम्ब्रेन डोर तो आप जानते हैं, वही सेम फ्लश डोर जो सारे क्वालिटी का फ्लश डोर, उसके ऊपर फिर PVC फॉयल लगा, CNC से इसको कटिंग कर दिया जाता है,
और सीएनसी कटिंग करने के बाद वैक्यूम प्रेस में ये रेजिन लगा करके और इसको जो डिज़ाइंस होता है वो उभर जाता है, तो ये ऐसा बन जाता है। इसके ऊपर पीवीसी का एक फाइल लग जाता है, इसमें इम्बोज्ड भी होता है। इम्बोज्ड का मतलब हो गया, आपको मैं दिखाता हूँ, ये है। इसमें एमडीएफ से कटिंग करके ऐसा डिज़ाइन कर दे तो ये उभरा हुआ थोड़ा अच्छा प्रीमियम फील आता है। ये आप इम्बोज्ड देख सकते हैं। इसमें लैमिनेटेड डोर में भी हम लोग जो है सीएनसी से कटिंग करके भी डिज़ाइन बनाते हैं। कोई भी अगर आप डिज़ाइन चाहिए तो ये आप देख सकते हैं, तरह तरह का डिज़ाइन सीएनसी से कटिंग करके उसको बनाया सकता है। एक डोर ये हो गया आपका एसडीएफ स्किन डोर था, वो ये एचडीएफ, थोड़ा करीब आ जाऊँ, ये एसडीएफ का हमारा ये स्किन है ओनली। ये दोनों तरफ दो स्किन ले करके बीच में फ्रेमिंग करके इसको एसडीएफ मोल्डेड पैनल डोर कहते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, ये दरवाज़ा इनर यूज़ के लिए ओनली होता है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ कम होता है। ये एचडीएफ है और यहाँ पे जो गड्ढा देख रहे हैं इसके अंदर फिलर नहीं होता है, बाकी पोर्शन में फिलर रहता है। तो ये भी है, मार्केट में चलता है, ऑन डिमांड हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये था हमारा डोर सेगमेंट। और इसके अलावा एक लैमिनेटेड डोर और मेम्ब्रेन सॉलिड जाली डोर, लैमिनेटेड जाली डोर और सॉलिड जाली डोर, आप एक बार दिखा दो। ये जाली डोर में आप देखिए लैमिनेटेड है, इसमें जाली है, मास्किटो एक है, एक एक्स्ट्रा डबल जाली लगा हुआ है, एल्युमिनियम है, एसएस जाली लगा कर। इसी तरह से जाली डोर, एक बार इधर आ जाइए, ये सॉलिड जाली डोर्स हैं, बहुत सारे डिजाइन बनाते हैं। ये सॉलिड वही सेम टीक की लकड़ी, इसको सीजन करके फिंगर ज्वाइन करके और फिर जाली डोर बनाया जाता है। तो ये टोटल हर तरह का हम लोग बनाते हैं, थोड़ा बहुत ग्लास डोर भी बनाते हैं, ग्लास डोर। इसमें अगर आप चाहेंगे तो इंजीनियर डोर्स के डिज़ाइन हैं, ग्लास डोर में लैमिनेटेड में भी इस तरह से ग्लास भी लगा सकते हैं, इंजीनियर डोर है या फिर लैमिनेटेड डोर में ऐसा ग्लास का भी ऑप्शन होता है। तो ये हर तरह के डोर के बारे में हमने बात किया, और थैंक्स फॉर लिसनिंग।